नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। बिहार में चुनाव का बिगुल बजा तो उसकी आवाज यूपी तक आई। वहां सियासी जंग हो रही है हर मुद्दे पर, लेकिन यहां 2017 के लिए जमीन तैयार की जा रही है। तरीका चाहे जो भी हो, गोली या फिर गाली। यूपी से लेकर बिहार तक गालियों की चुनावी लीला, बदजुबानी की जंग में उतरे महारथी, चुनावी चौपाल पर गालियों की चौसर। सियासी समर में, चुनावी भंवर में यूपी से लेकर बिहार तक डूबे हैं। इसी भंवर को पार करने के लिए गालियों की पतवार के सहारे बदजुबानी की नैया पर सवार हैं सारे नेता। बात गाली से लेकर गोली की हो रही है, सारे दल बल आजमा रहे हैं, कोई पीछे नहीं है। विकास से विश्वास उठ चुका है, बस बदजुबानी पर भरोसा बचा है। कंपटीशन चल रहा है, होड़ मची है, जैसे गाली ही वोट दिलाएगी, बदजुबानी ही चुनावी वैतरणी को पार कराएगी। एक तरफ बिहार में चुनावी चौपाल जमी है, तो दूसरी तरफ यूपी में 2017 को साधने की सड़क तैयार की जा रही है। सिर्फ यूपी और बिहार के नेता ही नहीं, दूर दूर से महारथी इस बदजुबानी की जंग में आहुति डालने आ रहे हैं। 2017 का समीकरण बना रहे नेता, बिहार में बदजुबानी का बिगुल, गालियों की जंग जीतने की होड़। महाराज से लेकर महेश शर्मा तक, साध्वी से लेकर योगी तक, रामदेव से लेकर सोम तक बदजुबानी का संगीत बजा रहे हैं। चुनावों में चटखारे लेकर गालियों का रस खोला जा रहा है। आजम से लेकर अमित शाह तक, लालू से लेकर लालू के लाल तक, चिराग से लेकर केजरीवाल तक गालियों के गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। हैदराबाद वाले ओवैसी बंधु कहाँ पीछे रहते, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, न लाज न लिहाज, बस बेशर्मी की आवाज। ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे बयान कि शर्म भी चुल्लू भर पानी मांगे। पर इनको बस चुनावों से मतलब है, जीत से मतलब है, वोटों से मतलब है। चाहे जो हो जाए, जनता भाड़ में जाए, गालियों की गाथा अनवरत जारी रहेगी, बदजुबानी का बिगुल ऐसे ही बजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। बात गाय से शुरू हुई थी, लेकिन अब बात गाली तक पहुंच चुकी है। बिहार और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह पर सियासतदान राजनीति करने में लगे हैं। हर कोई इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में लगा है, लेकिन इससे भी भयावह स्थिति यह है कि हर कोई बदजुबानी का धुआं उड़ा रहा है। चुनावों में उतरने से पहले सारे सियासी धुरंधर सुचिता की बात करते नहीं थक रहे हैं, लेकिन आज का हाल देखो, बवाल मचा हुआ है। कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बिहार चुनावी बदजुबानी में डूबा तो यूपी पर भी रंग चढ़ने लगा। नेताओं के मन में बैठे मयूर नाचने लगे और नेता गालियों की गाथा बांचने लगे। यूपी के दादरी में बवाल हुआ, धुआं उठा बिहार में, बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। बात गाय से शुरू होकर गालियों पर पहुंच गई। इसे राजनीति करने की कोशिश ना करे, इस पर बहुत कुछ हो चुका है। कई शासन प्रशासन की कमियां रही हैं, सबको पीड़ा है। मुझे खुशी इस बात की है कि अभी मैं जो भाई दानिश जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, किसी ने आज अखबार में किसी ने ये भी छापा है, साहब वो मेरा अस्पताल है, बीजेपी वालों का अस्पताल है, वो संतुष्ट नहीं है। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, आज उसने अपने भाई अफजाल का हाथ पकड़ा है, उसने उसको पहचाना है, अपनी जीत दिखाई है, उसने कहा तुम मुझे पहचान रहे, हमें खुशी है वो बच्चा हंसी खुशी गाँव में वापस आए। सियासी मेला लग गया दादरी में, सहानुभूति के सहारे सियासत होने लगी। पैराशूट से नेता लैंड करने लगे, मौका था सियासी मुंह निकलने का, कैसे पीछे रहते महाशय। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वॉज अ प्री प्लैंड मर्डर, बिकॉज यू कैनॉट बार्ज इन टू एनी वंस हाउस विद अ मॉप and assaulting each and every member of the family। जब बड़े मियाँ बोल रहे हैं तो छोटे कैसे पीछे रहते। एक ने दादरी में धुनी रमाई तो दूसरे बिहार में बदजुबानी का बिगुल बजाने लगे, मन के महल को सामने लाने लगे।
गालियों की गोलाबारी करने लगे। गाली पर मिलती ताली को देखकर शब्दों को तोलना ही भूल गए। मानता है कि गुजरात के फसादात का जिम्मेदार कोई और नहीं, वो नरेंद्र मोदी है। सही है, गलत बताइए। नंगा नाच नचवाया एहसान जाफरी के घर में 35 लोग उनके साथ पनाह लेने आए तो उनको मार दिया, काट दिया, जला दिया। नरोडा पाटिया में माया कोडनानी ने गड़ों में डाल के मासूम मासूम बच्चों को ढकेल दिया। हामिला औरतों के पेटों को चीर कर हमल निकालकर उनकी गर्दनों को काट दिया, मासूम बच्चों को काट दिया, दरगाहों को जला दिया, खबरों को जला दिया। एक बाप के सामने नौजवान बेटे की मैयत का बोझ खानों पे डाल दिया, शोहर के सामने बीवी की इज्जत को लुटाया, बेटे के सामने माँ की आबरू को लुटाया, अरे भाई के सामने बहन की इज्जतों को लुटाया, बच्चों को यतीम कर दिया, सुहागों को उजाड़ दिया। अरे इस दरिंदे के खिलाफ कांग्रेस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, मेरा सवाल है। अरे मेरी आंख रोती है, अगर कांग्रेस 2004 में इख्तदार पर आने के बाद अगर इस शख्स को चार्जशीट करती, जेल में डालती, हथकड़ियां पिना देती तो ये शैतान, ये जालिम हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं होता। बाबरी मस्जिद से ऐसे ही क्या इन्होंने शीलानी आप किसने करवाया? बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला? मुर्गी किसने बिठवाई? बाबरी मस्जिद किसने तुड़वाया? कांग्रेस नरसिम्हा राव की हुकूमत में, राजीव गांधी की हुकूमत में, और फिर बाबरी मस्जिद टूट गई। क्या इनका काम नहीं था कि तोड़ने वाले उन जिम्मेदारों को सजा देते? अरे सजा तो छोड़ो, वो उत्तर प्रदेश के उस वक्त का चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह को इनाम दिया। क्या इनाम दिया? बाबरी मस्जिद के वक्त तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमको आज हम राजस्थान का गवर्नर बना दें। क्या ये इंसाफ है मेरे भाई? अब ऐसे में केजरीवाल कैसे पीछे रहते? दिल्ली की दुकान को छोड़कर दादरी में सियासी सामान बेचने लगे, अपने दामन को बेदाग बताकर सब पर कीचड़ उछालने लगे, सियासत की सीख देते देते विज्ञापन देने लगे। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। अभी दादरी में कुछ लोगों ने एक मुसलमान को मार डाला, उसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने उसी गांव के कई हिंदू परिवारों के बच्चों को गिरफ्तार किया है। इससे किसका फायदा हुआ? ये नेता तो अपने अपने घर चले जाएंगे अगले चुनाव की तैयारी करने, और अब तो इन नेताओं के लिए दंगे कराने के तरीके भी पुराने होते जा रहे हैं। गाय कटवा दो तो हिंदू भड़क जाते हैं, सुअर कटवा दो तो मुसलमान भड़क जाते हैं। कितना आसान हो गया इनके लिए दंगे कराना। क्या पार्टी क्या नेता सब चुनावी मंच पर नाच रहे हैं, बदजुबानी की पोथी बांट रहे हैं। दर्द की दवा देने के बहाने दादरी में आजम ने भी जाजम बिछा दी। ये तो इतना आगे बढ़ गए कि संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गए, और क्यों ना पहुंचे? मुसलमानों के अकेले ठेकेदार जो हैं, फिर चाहे गोली चलानी पड़े या गाली देनी पड़े। मैंने जो चिट्ठी लिखी है वो कानून की और संविधान के अधिकारों की परिधि में लिखी है। अगर ये मेरा गैर कानूनी काम है, ठीक है, जो कानून के दायरे में जुर्म बनता हो मेरे खिलाफ, मैं उसका मुजरिम बनने को तैयार हूं, लेकिन बेगुनाहों की आवाज मैं इंटरनेशनल फोरम पर लेकर जाऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े, मुझे खूब मिल रही है धमकियां, मार दो,
जहां और बहुतों को मारा है हमको भी मार दो। तो इससे डरकर अब हम कदम वापस नहीं लेंगे और दुनिया को बताएंगे क्या हो रहा है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान को फासिस्ट लोग कहां ले जाना चाहते हैं। मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का अधिकार मुख्यमंत्री को है, राज्यपाल महोदय को है, वो जब बर्खास्त करना चाहेंगे उन्हें पूरा इख्तियार है। लेकिन सही बात तो कही जाएगी। और जहां तक यूएनओ की बात है, अगर यूएनओ कोई गैर कानूनी संस्था है, गैर सामाजिक संस्था है, तो यूएनओ और दुनिया के तमाम देश हमारी इस काबिलियत पर, हमारी इस सोच पर हंसते होंगे। इतिहास साक्षी है, बदजुबानी में ये कभी पीछे नहीं रहे। मौके बेमौके गाहे बगाहे बदजुबानी इनकी जुबान पर आ ही जाती है। यहाँ भी पीछे नहीं रहे, मरने मारने की बात करने लगे, भगवा भेष में गालियों की भाषा बोलने लगे। 40 लाख रुपया मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन अन्य जिन लोगों की प्रदेश में हत्या की गई है उन्हें 10-10 लाख ही दे दो, लेकिन उन्हें आप 10 भी नहीं देंगे, 5 भी नहीं देंगे, 20 भी नहीं देंगे, 15 भी नहीं देंगे। और यहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये दोहरी जो नीति है, ये केवल सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर गौहत्या करने का आरोप था। और मुझे तो आश्चर्य हुआ आज सिसोदिया के बयान को मैंने पढ़ा, अखलाक ने जो अंतिम फोन अपने मित्र सिसोदिया को किया था और कहा था भैया दौड़ के आओ, लोग मुझे मार डालेंगे, मेरे घर में गौमांस रखा हुआ है, मुझे घेर लिया गया, और 2-3 बार फोन किया। तो यह सरकार स्वयं तुष्टिकरण की राजनीति करती है, वोटों की राजनीति करती है। अब आजम खामा पहुंचे जा रहे हैं, कभी ओबीसी आ जाता है हैदराबाद से, दिल्ली संभल नहीं रही, कभी यहां से केजरीवाल पहुंच जाते हैं, अमेरिका के सीधे राहुल वहां चले जाते हैं। हमारी मां का कोई अपमान करेगा हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे, मर जाएंगे, मार देंगे। हमारी भारत माता रोज क्या कर रही है इंडिया, भारत माता की तरफ कोई उंगली उठाता है कोई आतंकी, तो हमारे लोग शहीद भी होते हैं, सामने वाले को मारते भी हैं। अगर हम ऐसे ही अहिंसावादी हैं तो काय को फिर हम जवाब देते, करारा जवाब देते हैं। आजम खान तो पाकिस्तान की तरह गीदड़ वाली धमकी देते हैं, रोज पाकिस्तान यूनियन में जाता है, तो ये लगता है कि आजम खान पाकिस्तान से मिले हुए हैं। वो बार बार पाकिस्तान वाली भाषा बोल रहे हैं, कभी भारत माता को डायन कह देते हैं, कभी पाकिस्तान में बैठे हुए दाऊद की बात कि दाऊद का पैसा मुलायम सिंह के जन्मदिन पर लग रहा है, ऐसा बोल देते हैं। सारे सियासी साधु उतर आए मैदान में, क्या साक्षी, क्या प्राची, क्या योगी, क्या योग सिखाने वाले, सब चुनावी चौपाल पर दाव पेच आजमाने लगे, सियासी मंडी सजाने लगे। प्राची ने फिर बदजुबानी की भाषा बांची। गौमांस खाने वाले उनके साथ यही हश्र होना चाहिए, हमारी माँ के टुकड़े टुकड़े करके, और उनको गौमांस खाने में जन्नत मिलती है। ये षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ आजम खान का, 1 करोड़ रुपए दिया है आजम खान ने हिंदुस्तान की छवि खराब करने के लिए। माला और भाला की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ ने जुबान से तीर चलाए, चाहे जनता घायल हो या कुछ भी हो, ये भी बदजुबानी की कहानी में पीछे नहीं रहे। भगवा पर सियासत भारी पड़ने लगी और योगी पर भी बदजुबानी की भांग चढ़ने लगी। विसर्जन गंगा जी में होनी है या नहीं होनी है, अगर नहीं होनी है तो उसका क्या विकल्प आपने दिया? कोर्ट ने 2 साल पहले कहा था, 2 साल से आप क्या कर रहे हैं कि जिन लोगों को मूर्तियों पर प्रदूषण दिखाई देता है, क्या अभी बकर ईद के दिन हजारों निरीह पशु काटे गए काशी में, उनका खून सीधे गंगा जी में बहा है, क्या वो प्रदूषण नहीं था? भगवा वेशधारी रामदेव ने रामकृष्ण की वंश बेल बता डाली, लालू की कुंडली खोल डाली, यदुवंश की परंपरा बताते बताते वो मर्यादा के मीनार को तोड़ते चले गए, लालू को कंस का वंशज बता डाला, आखिर उनको भी तो सियासत से सरोकार है। आजकल लालू जी के भीतर शैतान बैठा हुआ है, जो कभी उनको गोमांस खिलाने के लिए प्रेरित कर देता है कि गोश्त खाओ, हिंदू भी गोमांस खाते हैं, ऐसा कह करके उन्होंने यदुवंश को कलंकित किया है। वो कहते हैं कि मैं यादव हूं, और यदुवंशी तो भगवान कृष्ण के वंशज होते हैं, और भगवान कृष्ण का वंशज
कहलाने का वो अधिकारी इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने यदुवंश को कलंकित कर दिया है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण का तो नहीं, कंस का वंशज हो सकता है। अब बात दादरी से निकलकर बिहार पहुंच गई। लालू पर सबकी आंखें लाल हो गई। बयान पर बयान आने लगे। अमित शाह भी लालू को चारा चोर बताने लगे। आजादी के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण हो, राजेंद्र बाबू हो, जगजीवन राम जी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, एक परंपरा, प्रामाणिक लोगों की परंपरा बिहार के नेतृत्व में रही, जिसका देश सम्मान करता था। और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। अब ये तो पहले से आगे थे। बीफ पर बदजुबानी के बाद उन्होंने नरभक्षी तक की खोज कर डाली। सारी मर्यादा मर गई। बस पटना की कुर्सी ही लालू की आंखों के सामने नजर आ रही थी। भूल गए क्या बोलना है। आदत के अनुसार सियासत के समंदर में बहते चले गए और इसीलिए देखने को मिले बदजुबानी के बुलबुले। पूरा ये देश को कम्युनलाइज करना चाहता है। बीफ जो खाता है खाता है, हिंदू में नहीं खाता क्या बीफ? जो बाहर जाता है बीफ खा रहा है कि नहीं? हिंदुस्तान में भी तो बीफ खा रहा है, अपने को हिंदू कहने वाला भी तो खा रहा है। इसलिए कि चुपचाप नरेंद्र मोदी दादरी के मामले में बैठे हुए हैं। ये सही घटना हुआ या गलत हुआ प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोले बताओ? धृतराष्ट्र की तरह देख रहे हो। रामदेव महाराज जो है ना, इसका दावा मैं जानवरों को हड्डी मिला कर खिला रहा है। जानवर का हड्डी तो हमने कहा था भाई, जानवर का हड्डी हो या मानव का हो, अगर खाने से बचता है तो इसमें क्या अपराध है? लालू बोल रहे हैं तो लालू के लाल कैसे पीछे रहते? अपनी जन्म तिथि का गणित बिगड़ा तो दूसरे की जन्म कुंडली बताने लगे। बस जुबानी और बदतमीजी इतनी कि पासवान पर कमान तानते हुए उनके घर में झांकने लगे। इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। अब यही उनके पास मुद्दा रह गया और कोई मुद्दा नहीं है। जो वादे वो करके आए थे वो बताएं, उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया, पहले इस पे जवाब दे। जहां तक चिराग पासवान जी बोलते हैं, रामविलास पासवान जी के एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है, कौन सी उनकी बीवी का नाम है, क्या है, पहले इस पे क्लैरिटी दे। क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, शब्दों के समंदर में गालियों की गंदगी ही नजर आ रही है। सपा के धुरंधर और देवबंद नगर पालिका चेयरमैन माविया अली तो बदजुबानी के ब्रह्मास्त्र के साथ गालियों की गन लेकर टूट पड़े। महाराज हैं, साक्षी महाराज हैं, उनको मार देना चाहिए। किस तरह की ऐसे लोग जो सिर्फ एक गाय के कटने पे लोगों को एक हैं कि उन्हें जान से मार देना चाहिए, उनसे उन्हें जान से मार दिया जाएगा, इसको क्या करेंगे? उन लोगों का हिंदुस्तान के अंदर जिंदा रहना बिल्कुल भी ठीक ही नहीं है। ऐसे लोगों का कत्ल होना जरूरी है, ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए। और इन महाशय का संगीत तो हर सांप्रदायिक मौके पर बजता है। पीछे कैसे रहते हैं? आ गए बोली की गन में गोली भर के और बदजुबानी के छर्रे से छल्ली कर दिया मर्यादा को। अखलाक के घर वालों को तो यहाँ की सरकार जहाज में बैठा के ले गई। वो जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे के आरोपी को जहाज में बैठा गई थी, ऐसे ही गाय के काटने वालों को भी बैठा के ले गई। क्या यहाँ ओबीसी जैसे लोग आके उन्माद नहीं फैला रहे? हैदराबाद से ओबीसी को इन्होंने आने दिया, कहीं समाजवादी पार्टी की मिलीभगत नहीं है इन लोगों से? क्या हैदराबाद का आदमी यहाँ आता है और अनर्गल बयानबाजी करके चला जाता है? ये सरकार की कमजोरी नहीं है? सरकार एक वर्ग विशेष को खुश करना चाहती है और तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहती है, जो हम नहीं होने देंगे। सियासी सीजन में बदजुबानी के साथ सजे हैं, जुबान से गालियों की पोथी पड़ी जा रही है। सबके मन का मैलापन मर्यादा को मार रहा है। सब चुनावी चौसर पर दांव आजमा रहे हैं। बात जो बोले वोट चाहिए, चाहे बिहार जीतना हो या यूपी चुनाव की नींव रखनी हो, कोई पीछे नहीं है। अब तो चुनाव का मतलब ही गाली बन गया है। अब देखना चुनाव आयोग को है कि कब मर्यादा के मानकों का कड़ाई से पालन होगा। ना ये पहली बार है और ना ही आखिरी बार। हर बार चुनावी चौपाल पर गालियों से गंदगी की जाती है, जनता उसे साफ करती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को यह समझना चाहिए कि कौन किस रंग में है, किस तरह की सियासत कर रहा है। नमस्कार।